कोविड 19 महामारी से जूझ रही दुनिया में संक्रमित देशों में अव्वल अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं ब्रिटेन में आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड फाइजर अपने वैक्सीन कैंडिडेट के साथ कतार में है। बेल्जियम में फाइजर प्लांट से 8 लाख डोज का कंसाइनमेंट पाने वाले 50 क्लिनिकल हब में से एक दक्षिण लंदन का क्रियोडाइन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। कैलिफोर्निया में सोमवार को लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत वहां के 33 मिलियन लोग घरों में बंद हो गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार फाइजर ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि वैक्सीन की अतिरिक्त सप्लाई जून या अंत तक जुलाई तक हो सकती है। वहीं दक्षिण कोरिया ने विदेशी ड्रग निर्माताओं से देश में 44 मिलियन लोगों के लिए वैक्सीन के ऑर्डर बुक कर लिया है। अमेरिका के बहुसंख्यक राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके तहत अधिकतर ऑफिस बंद हैं और सामूहिक आयोजन व भीड़ भाड़ लगाने पर रोक है। वहीं बार व हेयर सैलून को भी बंद के आदेश दे दिए गए हैं। केवल रेस्टोरेंट खुला रहेगा और यहां से खाना की डिलीवरी की जा सकेगी। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।